राम राम जी। मैं अंजवी सिंह हुड्डा और एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया पर्थ के शहर का एक और खूबसूरत डेस्टिनेशन लेके। आज हम आए हैं सैंडलवुड वाइनरी में। और भैया देखो, ये वाइनरी के बीच में इन्हें झील बना रखी है। इतना सुकून और इतना बड़ा स्पेस है आसपास का एरिया। आप एक बार DOP दिखाएं इन सबको। ये पूरा वाइन यार्ड है सैंडलवुड वाइनरी का। वो पीछे जो जगह आपने दिखने लग रही, मैं दिखाऊंगी आपने बाद में, वो रेस्टोरेंट है और वहाँ पे वाइन प्रोसेस होती है। और यहाँ पे लगे हुए हैं वाइनरी, तो कुछ भी नहीं है ये, बहुत मतलब ये लगभग 200-300 पता नहीं कितने एकड़ के अंदर ये फैली हुई है। और पास में एयरपोर्ट है तो हवाई जहाज भी आते जाते रहते हैं। अब हम चलेंगे यहाँ पे, तो वाइन प्रोसेस होती है, आपने दिखने लग रहे होंगे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं इन्हें। और अंदर रेस्टोरेंट है, अगर आप वाइन के शौकीन हैं तो आप वाइन टेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की वाइन खरीद भी सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक जॉब जो है वो बड़ी फेमस है, वाइन सोवेनियर। आई मीन आपको पूरी स्टडी करनी पड़ती है वाइन की, उसमें आप अलग अलग तरीके की वाइन को टेस्ट करें और जितनी ज़्यादा अच्छी आपको पहचान होगी वाइन की भी, ये कितने साल पुरानी है, उसी हिसाब से आपका पे स्केल सेट होगा। नाइस, अच्छा देश है। तो मैं रेस्टोरेंट में जाऊंगी एक बार और भीतर जाकर हम देखेंगे भाई ये के ये देवे हैं। मैंने आती आना देखा था कि भाई ये लेमनेड और अचार वाइन डालने के पर्स तक ये लोग बनाते हैं। और अलग अलग तरह के ग्लासेस आपको मिलेंगे कि भाई किस तरह के वाइन में, और टेम्परेचर आपको बताएंगे कि कौन से टेम्परेचर पर वाइन पीनी चाहिए। इस तरह के ड्रम होते हैं जिसमें वाइन को स्टोर करके रखा जाता है। आई थिंक ये ओक के पता नहीं किसी पेड़ से बनता है। अंदर रेस्टोरेंट है, ये बाहर के लिए फैमिलीज बैठी हैं यहाँ पे। मोस्टली वीकेंड पे तो बहुत ज़्यादा रौनक रहती है। तो कमेंट करके मैंने बताइयो, एक मिनट उसे पहले मैं सांस तार लूँ, इतनी बड़ी वाइनरी यार, घूम घूम का आदमी का 10-15 किलो वजन कम हो सके है। तो मैंने कमेंट करके ज़रूर नू बताइयो कि भाई तुमने मेरा वाइनरी का वीलॉग किसा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अगर बढ़िया बढ़िया जगह देखनी है तो। जय राम जी।